वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर फिजिकल केमिस्ट्री विद योर स्पाउस। तो ये जो है एक 18 प्लस रीडिंग है, अगर आप 18 प्लस नहीं है तो आप इस रीडिंग को ना देखें। यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप ट्री से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप स्ट्रॉबेरी से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1 अगर आपने ट्री से चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री आपकी स्पाउस के साथ किस तरीके की रही। आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ कप्स, नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, टॉरस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है द स्टार, एक्वेरियस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ कप्स। बहुत प्यारे कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, आपको जो है जेन्युइनली वो लव करने वाले हैं। तो ये पर्सन जो है वो जेन्युइन पर्सन है। ऐसा नहीं कि जैसे होता है कुछ लोग की जो मैरिज के बाद भी जो उल्टी सीधी हरकतें करते हैं, बाहर जाना ये सब करना या दूसरों से फ्लर्ट करना, नहीं, वो जो है जेन्युइनली लव करते हैं। जब कह रहे हैं तो लव करते हैं। पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। उनको जो है आपकी खुशी देखना, सेलिब्रेशन करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, आपके साथ जो है वो आपके बारे में छोटी से छोटी डिटेल को पसंद करना या पहचानना, वो ज़्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस का कार्ड है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आपकी फेमिनिन एनर्जी का जो आपकी केयर करने का तरीका है या आपकी जो जब आप तैयार हो रहे हो वो चीज़ जो है, जो परफ्यूम लगा रहे हो या जो है मेकअप कर रहे हो या क्रिएटिव तरीके का कोई काम कर रहे हो, तो आपको जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करने वालों में से होंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही एनर्जी है कि आप एम्बिशियस बहुत ज़्यादा हो गए, आपको जो है विंटेज तरीके की चीज़ें या ओल्ड जैसे क्या बोलेंगे जैसे स्कार्फ हो गए या ओल्ड जो विंटेज तरीके का फैशन होता है वो आपको ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता होगा। तो उस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, जैसे चेक्स वाले जो स्वेटर्स होते थे या फिर जो है क्या बोलते हैं उसे, जो चेक या बर्फ़ी वाली जो स्वेटर्स होते हैं आजकल भी चलते हैं, लेकिन वो जो विंटेज तरीके का जो फैशन होता है वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उनको वो चीज़ जो है वो पसंद होगी। आप लोगों की जो केमिस्ट्री ये है कि आप लोग एक दूसरे की बात को समझोगे, वो जो है अटेंटिवली आपकी बात को सुनेंगे कि आप क्या कह रहे हो और उसका क्या मीनिंग है। तो हर चीज़ का डीप मीनिंग होता है। आप जो है डेप्थ वाले पर्सन हो, वो भी जो है वो डेप्थ वाले पर्सन होंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये लग रहा है दोनों ही इंट्रोवर्ट होंगे, अपने करियर में अपने प्रोफेशन में एक्सट्रोवर्ट हो गए, लेकिन अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसमें इंट्रोवर्ट हो गए। तो आपको जो है होमली तरीके का एनवायरनमेंट पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे स्टार कार्ड है, विश फुलफिलमेंट के तरीके से है। आपने उनके लिए होप किया होगा या प्रे की होगी, उन्होंने आपके लिए प्रे करी होगी। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और यहाँ पे आपको एनिमल से या फिर जो है नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार होगा, या फिर आप लोग जब बातें करते होगे तो जैसे बीच के किनारे जो है आप लोग सितारों को देखते हुए बातें कर रहे हो, तो कुछ इस तरीके की एक कम्फर्टेबल तरीके की चीज़ है। यहाँ पे जो है शो ऑफ वाली एनर्जी नहीं है कि लोगों को दिखाना है कि हाँ हमारे बीच में क्या है। आप दोनों के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं कि आप दोनों के बीच में क्या है और वो कितनी गहराई में है, वो चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। तो एस ऑफ कप्स जो है वो यही एनर्जी की अनकंडीशनल लव है, जो भी है जैसा भी है वो एक्सेप्टेड है और एक दूसरे को पसंद करते हो, तो वो एनर्जी है। और एक दूसरे का साथ देना है तो ये एनर्जी है। ये नहीं कि एक दूसरे के साथ जो भाग रहे हो या फिर कमियों पे जो है वो फोकस कर रहे हो, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर नहीं है। तो आपको वो बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अब देखते हैं कि आपकी फिजिकल केमिस्ट्री किस तरीके की रहेगी। तो पहला आ रहा है हाई प्रिस्टेस, विजडम वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन, जेमिना एनर्जी है, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द एम्प्रेस, एम्प्रेस पहले भी आया था, आपकी बात सुनेंगे वो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एम्परर है। एम्परर और एम्प्रेस दोनों आए हैं, तो आप दोनों ही मैच हो, इक्वल हो, सिमिलर हो फैमिली वैल्यूज़ में, ट्रेडिशन में, कैरियर में, लव लैंग्वेज में, हर तरीके से। तो यहाँ पे ये चीज़ है। अब आते हैं डिज़ायर्स की बात कि फिज़िकल चीज़ों में कैसे हो। तो यहाँ पे ये चीज़ है, दोनों ही कंजर्वेटिव हो गए, दोनों ही इंट्रोवर्ट हो गए, शाइनेस आप दोनों ही फील करोगे। लेकिन जैसे ही आप लोग एक दूसरे के साथ आओगे वो जो है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी या कम्फर्टेबलनेस शुरुआत में हो जाएगी। और कडलिंग करना आप दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद होगा।
इस पर्सन की जो है वो लव लैंग्वेज जो है वो फिजिकल टच रहेगी। तो जैसे आप हाथ है आपका तो उसके ऊपर हाथ रख लेना, कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं। चाहे वो कोई भी नहीं देख रहा है लेकिन उनको वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेगी। और इसमें कोई भी चीज़ जो है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि एडल्ट चीज़ है, हाथ के ऊपर हाथ रख लेना या फिर जो हाथ पकड़ लेना, इस तरीके की एनर्जी है। और ये चीज़ जो है वो आपको भी पसंद आएगी, उनको भी पसंद आएगी। तो बड़े स्वीटेस्ट जेस्चर्स होंगे लेकिन एक लविंग फॉर्म में होंगे। कडलिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, तो घंटों वो आपके साथ कडलिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है मैजिशियन का कार्ड है। मैंने पहले ही आपको कहा कि आप दोनों की विश फुलफिलमेंट या जो आप मांग रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिल रही है और आप लोग जो है इस चीज़ को एंजॉय करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द एम्प्रेस का कार्ड है। तो एम्प्रेस जो है वो यही एनर्जी है कि आप एक दूसरे की बात को सुनोगे और जो फेमिनिन एनर्जी है, जो आपकी केयर वाली एनर्जी है, लविंग एनर्जी है, उसको जो है बहुत अच्छी तरीके से नरिशमेंट यहाँ पर हो रहा है। तो ऐसी एनर्जी नहीं है कि फोर्सफुल चीज़ें करी जा रही है या फिर सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्स की बातें चली जा रही है। घंटों जो है आप लोग बातें ही कर लोगे, तो इस तरीके की यहाँ पर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स है। तो यहाँ पर जो है सेलिब्रेशन करना, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना, आपके लिए सेलिब्रेशन यही है कि आप जो है वो अपना, आपने कोई प्रॉपर अच्छी सी कोई मूवी देखनी है, वहाँ पे जो है आपने अपने खाने पीने का सामान ले लिया या पिज़्ज़ा ले लिया या जो भी आपको पसंद हो वो आपने रख लिया है, और जो है एक कंफर्टेबल होमली एनवायरनमेंट में आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, या फिर जो है एक दूसरे के साथ जो है वहीं पे सोफे पे बैठकर या उसी तरीके से जो है कंफर्टेबल तरीके से लेटकर बैठकर देख रहे हो, तो वो चीज़ है आपकी। यहाँ पे डिज़ायर से ज़्यादा जो है वो एक इमोशनल बॉन्डिंग की एनर्जी है। तो मैं ज़्यादातर जो है वो इसमें डिज़ायर्स को फालतू में नहीं घुसाऊंगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे जो है वो एम्परर की एनर्जी है। तो ये पर्सन आपके लिए प्रोटेक्टिव रहेंगे, प्रोवाइडर रहेंगे और आप उनके लिए रहोगे। तो दोनों ही तरीके से इस तरीके की एनर्जी है। हाँ, जो आपका उस तरीके का मूवमेंट जो होगा वो बहुत ज़्यादा पैशनेट रहेगा। तो कडलिंग से स्टार्ट होकर वो पैशनेट तरीके का रहेगा और वो चीज़ जो है हम मैसेजेस में भी देखेंगे, लेकिन इमोशंस यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लो में रहेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए मैसेजेस में। तो पहला आ रहा है सेंशुअल डीप डोमिनेंट किस। नेक्स्ट आ रहा है आई विल बी अ गुड गर्ल और अ बॉय फॉर यू स्मर्की स्माइल थिंकिंग अबाउट योर लिप्स। तो किसिंग करने की इच्छा रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पुश हर लिमिट्स बट ऑलवेज प्रोटेक्ट हर हार्ट। नेक्स्ट आ रहा है आफ्टर अ सुपर स्टीमी नाइट आई वॉन्ट अ कोजी हग। नेक्स्ट आ रहा है एवरीबडी हैज़ एन एडिक्शन माइंड जस्ट हैपन्स टू बी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए मेकिंग मी फील लाइक यू आर वॉन्टिंग मी बैडली इज द मोस्ट सेक्सीस्ट फीलिंग। नेक्स्ट आ रहा है गोट, यू आर गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम पार्टनर। नेक्स्ट आ रहा है लॉयल्टी ऑर्गैज्म दैट्स ऑल शी वॉन्ट्स एंड फूड डोंट फॉरगेट द फूड। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हिज स्किन मेट हर एंड लाइक वैक्स ड्रिपिंग डाउन अ कैंडल शी मेल्टेड। नेक्स्ट आ रहा है आई लव व्हेन यू टेल मी आई एम योर्स। नेक्स्ट आ रहा है यू मेक मी फील हेवन हेवन इन योर आइज़। तो आई कैचिंग जो है वो एनर्जी रहेगी और आप दोनों में ये चीज़ रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू परफॉर्म तांत्रिक SCX विद यू विच विल हील आर सोल। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू डू बैड थिंग्स विद यू बूब्स द प्रूफ दैट मैन कैन फोकस ऑन टू थिंग्स एट वंस। नेक्स्ट आ रहा है मेकिंग यू HORNY एंड मेकिंग यू स्माइल आर माई टू फेवरेट थिंग्स। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू विस्पर इन योर ईयर हाउ आई हैव बीन क्रेविंग फॉर यू। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट टू स्कोर मोर विद यू टू नाइट। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एरोटिक फोरप्ले, एक लास्ट ले लेते हैं सरेंडर टू मी। तो आप दोनों एक दूसरे को सरेंडर कर दोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए कंटेंट रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर टू, अगर आपने स्ट्रॉबेरी को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं कि किस तरीके की फिजिक आ रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है फोर ऑफ कॉइंस। नेक्स्ट आ रहा है टेन ऑफ कॉइंस, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे द मून, पाइसिस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनाई की एनर्जी। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड पर्सन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो मन में है वो सच सच आपको सामने बोल देंगे।
प्लस उनको ये चीज़ पसंद होगी कि फैमिली ओरिएंटेड होंगे, फैमिली फ्रेंडली होंगे, तो इस तरीके की एनर्जी है। आपकी फैमिली उनकी फैमिली हो जाएगी और उनकी फैमिली आपकी फैमिली हो जाएगी। तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है कि ये चीज़ अलग है और वो चीज़ अलग है, डिप्लोमेसी यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेन ऑफ कॉइंस है, हाईली कमिटेड लॉयल फेथफुल पर्सन ये रहे होंगे और इस तरीके की एनर्जी है कि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से पसंद करोगे, प्लस आपकी फैमिलीज भी जो है वो एक दूसरे को सही तरीके से पसंद करेंगी। तो ऐसी चीज़ नहीं है कि ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि कभी कुछ कह दिया कभी कुछ कह दिया, बट ये चीज़ यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है मून का कार्ड है, तो मून जो है वो इंट्यूशन को, आपकी केमिस्ट्री जो है वो इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा बेस्ड होगी, तो टेलीपैथिक तरीके का कनेक्शन रहेगा। आप लोग अपनी एनर्जीज़ को जो है वो काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी से देख पाओगे या महसूस कर पाओगे और आप दोनों को एक्सेप्टेंस होगी, या ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे को जो है महसूस कर पाओगे। मान लो हालांकि ये सुनने में थोड़ा सुपर नेचुरल सा लगता है, लेकिन अगर आपको मतलब कुछ परेशानी हो रही है तो आप सबसे पहले यही सोचोगे कि ये पर्सन ठीक है ना, या सपने में कुछ अलग सा देख लिया तो आप परेशान रहोगे, तो वो वाली चीज़ है। तो आप दोनों में कुछ ना कुछ जो है वो साइकिक एबिलिटी पे जो है वो कनेक्शन भी रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स जो है वो यही एनर्जी है कि क्विकली जो है आप लोगों का लगाव जो है वो एकदम से हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री किस तरीके की रहेगी। तो पहला आ रहा है एट ऑफ कप्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स, 888 जो है वो आप नंबर देख सकते हो, एंजल नंबर, या आपको कोई एंजल नंबर या सिंक्रोनाइज्ड नंबर दिख रहा है तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो, उसका मीनिंग आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ सॉर्ड्स, फिर से एस ऑफ सॉर्ड्स आया है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ पेंटिकल्स और नेक्स्ट आ रहा है द डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी एक रीबर्थ वाली सिचुएशन है, मुझे यहाँ पे ये लग रहा है कि आप पहले या तो कभी किसी से हर्ट हुए हो गए, या फिर आपने कभी किसी को छोड़ा होगा, या फिर ये हो सकता है कि आपने बहुत सारे लोगों को कट ऑफ किया होगा, जिसकी वजह से आप ट्रस्ट करना भूल गए हो काफ़ी हद तक, या ट्रस्ट नहीं करना चाहते हो ज़्यादातर केसेस में, क्योंकि लोग जो है बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं, मास्क वाली सिचुएशन है, तो उस तरीके से जो है शुरुआती समय पे आप थोड़ा सा हेजिटेट करोगे, लेकिन जब आप देखने लगोगे ये क्लियर कट जो है वो कम्युनिकेशन कर रहे हैं और सच सच बोल रहे हैं और जो जेन्युइनली या रियलिटी में फील करते हैं वही बोल रहे हैं, तो जो है आपका विश्वास जो है उनके ऊपर बनेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एट ऑफ वॉन्ड्स है, तो एट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो ये एनर्जी है कि आपकी फिजिकल जो केमिस्ट्री है वो सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर्स पे डिपेंड नहीं होगी। आप लोग जो समय एक दूसरे के साथ निभाओगे या स्पेंड करोगे उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेगी। कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में एक अच्छाई या ये कह सकते हैं कि उसी के ऊपर डिपेंड रखेगा आपके रिलेशनशिप को। तो ट्रांसपेरेंसी रहेगी, झूठ सच नहीं है, या ट्रस्ट को जो है मैनिपुलेट करके करना, ये सब चीज़ें नहीं है। फिजिकैलिटी में भी जो है वो आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी को एडमायर करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स देंगे, चीज़ी कॉम्प्लीमेंट्स देंगे और आप उनको दोगे, तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। और डोमिनेंट जो है वो दोनों ही होंगे, अपने अपने समय पे दोनों ही जो है वो एक दूसरे के साथ डोमिनेंट होने की इच्छा रखोगे और इस चीज़ को इंजॉयमेंट के तरीके से, या कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है, तो कम्युनिकेट करते हुए जो है आप लोग एक सेंशुअलिटी को भी क्रिएट यहाँ पर करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया, तो नाइन ऑफ पेंटिकल्स जो है वो एक इंडिपेंडेंट एनर्जी को दिखाता है, सेल्फ सफिशिएंसी को दिखाता है। आप दोनों ही सेल्फ सफिशिएंट होगे और एक दूसरे के साथ जो है हमेशा ये कह सकते हो कि मतलब कोई फोर्सफुल एनर्जी नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि डोमिनेंट हो गए दोनों ही एक दूसरे के ऊपर जिस समय, जो खासकर फिजिकल चीज़ में डोमिनेंट जब इच्छा है तो उस तरीके से रह रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ जैसे मैन ही इनिशिएट करेगा, ऐसी कोई ज़रूरी यहाँ पे बात नहीं है, तो फीमेल भी जो है यहाँ पे डोमिनेंट करेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो डेथ जो है वो यही एनर्जी है कि आप लोग जो स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है, इंटेंस जो है वो लव मेकिंग यहाँ पे रहेगी, लेकिन वो जो प्राइवेट मोमेंट है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों का ही है और उसमें जो है ना ही कोई इंटरफेयर कर सकता है, ना ही जो है उसको कोई कमी या फिर जो है उसमें जो कोई फॉल्ट ढूंढ सकता है, और बहुत ज़्यादा इंटेंस तरीके का आपका जो है एक बॉन्डिंग जो है वो क्रिएट यहाँ पर हो जाएगी। तो थोड़ा सा जो है एक कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है वो अधिक होगी लव मेकिंग की भी, प्लस जो है फिज़िकल चीज़ों की भी, जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहूँगी, मैसेजेस में देख लेंगे, लेकिन ये जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा पैशन की है और पैशन जो है वो इमोशन से जनरेट हुआ है, तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए मैसेजेस। पहला आ रहा है यू आर सो ब्यूटिफुल, तो उनको
लिए जो है वो आप ब्यूटीफुल रहोगे और आपको वो इस तरीके कॉम्प्लीमेंट्स देंगे. नेक्स्ट आ रहा आई वॉन्ट टू नो योर डर्टीएस्ट फैंटसीज. नेक्स्ट आ रहा आई कीप माई सेल्फ सीक्रेट अ प्लेस ओनली यू कैन एंटर. आई एम ग्रांटिंग यू एक्सेस. वंस इनसाइड यू विल नेवर विश टू लीव. नेक्स्ट आ रहा आई मेक यू HORNY एंड लाफ यू हार्ड. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लव व्हेन यू आस्क मी इफ आई वॉन्ट टू सी यू एम अगेन. नेक्स्ट आ रहा है द फर्स्ट टाइम यू टच मी आई न्यू आई वॉज बॉर्न टू बी योर्स. नेक्स्ट आ रहा है फोन SEX. नेक्स्ट है आपके लिए आई वॉन्ट टू टच एवरी इंच ऑफ यू. नेक्स्ट आ रहा है गो फॉर अ क्विकी. नेक्स्ट है आपके लिए यू आर माइंड आई एम गोइंग टू बाइट यू. नेक्स्ट आ रहा है लेट मी टेस्ट यू. आई लव यू फॉर हु यू आर बट दैट डी श्योर इज अ बोनस. नेक्स्ट आ रहा है माई हैप्पी प्लेस इज इन योर पैंट्स. नेक्स्ट आ रहा है वियरिंग योर शर्ट इट स्मेल्स लाइक यू. तो इस तरीके की चीज़ें आपके कपड़ों को भी जो है वो एक स्मेल करना चाहेंगे, उसको पसंद होगा. नेक्स्ट आ रहा है आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू इन शावर दिस मॉर्निंग. आई वॉन्ट टू सी यू विद गार्टर बेल्ट. नेक्स्ट आ रहा है रियल मैन लव्स कर्वी वुमेन. नेक्स्ट आ रहा है रब हर बट एंड प्ले विद हर हेयर अंटिल यू शी फॉल्स अस्लीप ऑन योर चेस्ट. नेक्स्ट आ रहा है यू स्मेल प्रिटी गुड डाउन देयर. और नेक्स्ट आ रहा है टच मी विदाउट यूजिंग योर हैंड्स. तो इस तरीके के जो हैं वो आपके साथ चीज़ें करना चाहेंगी. चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चीज़ें. चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू.